से आए हैं सर? मैं शुगर शुगर है जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या उम्मीद लेके आया कि आपको पहले एलोपैथी इलाज कराया आपने? नहीं, इलाज नहीं कराया जी। मैं आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? जी फर्स्ट टाइम। तो आपको आई से चेक करवाने के लिए? आई चेक कराने। और सर आपको कैसा लगा? अच्छा सिस्टम है, मेरी सिस्टम ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं अभी। हाँ। ये देखिए, ये जो है ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मसाज वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब फिजियोथेरेपी में ही आता है आपका। ये यहाँ पे दांतों की जांच हो रही है। ये हम लास्ट 21 इयर्स से हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है। और समय समय में डिफरेंट लोकेशन में कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हमारा 93 कैंप शिव मॉडर्न स्कूल पश्चिम बिहार में कड़ी दर कड़ी जो हम इस मंथ के अंदर तीसरा कैंप है हमारा। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। आज हम यहां पे पश्चिम बिहार में हैं। यहां पर एक स्कूल के अंदर एक एनजीओ द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, साथ में ब्लड डोनेशन की भी यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो जो एनजीओ का नाम है वो भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है ये एनजीओ, और ये एनजीओ अक्सर महीने में इनके कैंप वगैरह लगते रहते हैं, मेडिकल कैंप, और ये लगाते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। और आज यहाँ पे इन्होंने ये शिव मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है। और कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है, जहाँ पे सबसे पहले जो भी पेशेंट आते हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं सीनियर एडवाइजर हूँ भारत मंथन एनजीओ की। अच्छा। और ये 94 हमारा कैंप है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप होता है यहाँ पे। सर अपना नाम बताएंगे? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? विष्णु गार्डन से। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ कैंप लग रहा है? हाँ जी, मैसेज आया था। क्या टेस्ट करवाने के लिए आए हैं? बच्चे का टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, बच्चे के साथ आए हैं भी हैं। तो आप में आपके मिसेज साथ में आए हैं? हाँ जी। ये ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान महादान, उसके लिए हम बैठे हैं। अच्छा, रक्तदान। आपका नाम? मेरा नाम जसविंदर कौर है। हाँ जी, जसविंदर कौर। जसविंदर कौर, कौन सी? आप गुरु नानक देव चैरिटेबल ब्लड सेंटर से हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप अक्सर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं आप? हाँ जी, मैं एनजीओ की तरफ से हूँ, ब्लड डोनेशन की तरफ से। अच्छा, आप एनजीओ की तरफ से हैं, भारत मंथन की तरफ से। तो आप नाम बताएं? दीपांशु। अच्छा अच्छा, तो आपका कौन से सेंटर से हैं? ये गुरु नानक देव चैरिटेबल। गुरु नानक देव चैरिटेबल। अब हम यहाँ पे ये स्कूल के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं शिव मॉडर्न स्कूल के अंदर। हम उनके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा अलग अलग सेंटर के अलग अलग लोकेशंस बनाई गई हैं, जहाँ पे ये अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। हम इनको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या फैसिलिटी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ पे इस कमरे के अंदर क्या टेस्ट कर रहे हैं सर? आई का चेकअप हो रहा है सर। हाँ जी, आई का चेकअप हो रहा है। आई चेकअप हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी तक कोई पेशेंट वगैरह आए क्या? बहुत सारे पेशेंट आए हमारे पास ये। हाँ जी, 17 लोग आ चुके हैं अभी तक। 17 लोग आ चुके हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे आईज के टेस्ट जैसे चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डॉक्टर साहब यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं। शुभ नाम बताएं सर? नाम राहुल है। राहुल जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? जी फर्स्ट टाइम। तो आपको आईज चेक करवाने के लिए? आईज चेक कराने। और सर आपको कैसा लगा? अच्छा सिस्टम है, मेरी सिस्टम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। अभी सर आपने चेक कोई एडवाइस वगैरह लिए यहाँ से? अभी मैंने लिए है सर। हाँ जी, तो अभी आप डॉक्टर साहब को दिखाना चाहेंगे? हाँ जी। आईज का जो आपका गूगल चश्मा का नंबर आपने चेक करवाना सर? हाँ, बस नंबर चेक कराने। चेंज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर, सारा। डॉक्टर साहब आप सुबह पहले तो आप अपना नाम बताएं सर। मेरा
रमाकांत गोस्वामी प्राइमरी ओपी। अच्छा तो सर ये सुबह से कितने आप पेशेंट देख चुके हैं सर? नंबर ऑफ पेशेंट मोर देन 20 प्लस। सर ये जो आपके कैंप लगते हैं आप ही ड्यूटी देते हैं या कुछ चेंज वगैरह होते हैं कुछ? सर मैं ही ड्यूटी देता हूँ। आप ही देते हैं तो जो बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि आप इनको एडवाइस वगैरह देते हैं तो सर ये यही पेशेंट आपके कंटिन्यू आगे भी चाहते हैं या दोबारा लौट के कुछ नहीं ऐसा आगे चाहते हैं? बिल्कुल आपके साथ में ये बने रहते हैं। सर अपना नाम दसोगे तुसी? मेरा नाम जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह जी आप यहाँ पे डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ बांटता हूँ। अच्छा अच्छा तो ये आयुर्वेदिक है? ये होम्योपैथिक भी है आयुर्वेदिक। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक है ते किस तरह के ट्रीटमेंट केड़ी-केड़ी बीमारियां दे आ गए ने इलाज ते? साडे को शर्त या इलाज है सर्वाइकल पेन दा है। हाँ जी माइग्रेन पेन दा है। अच्छा उस तो बाद दमे दा है। हाँ हाँ जेड़ा दमा है 24 घंटे दे विच है। हाँ जी उस बंदे दा पंप उतर जांदा है। अच्छा ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਪ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪੰਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹੈ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਆਪ यहाँ पे किस तकलीफ से आए हैं सर? मैं शुगर। शुगर है जी। अच्छा तो यहाँ पे क्या उम्मीद लेके आए हैं कि आपको पहले एलोपैथी इलाज कराया आपने? नहीं इलाज नहीं कराया जी मैंने बस। अच्छा अच्छा बस मेहनत करता था। हाँ हाँ खेलता था खेलना छोड़ दिया। अच्छा खेलना छोड़ दिया। कब से है शुगर आपको? 10 साल। 10 साल से ठीक है तो अब कंट्रोल में है? आप दवाइयाँ ले रहे हैं इनकी? अभी तो आप आज आए हैं बात करने के लिए। मोनिका से। अच्छा पैथोलॉजिस्ट हैं आप? नहीं नहीं आई एम अ कंसल्ट नॉट पैथोलॉजिस्ट नहीं हूं मैं। हाँ। मैं डॉक्टर वैभव पैथोसिटी से हूं। डॉक्टर वैभव पैथोसिटी जी। तो यहां पे क्या-क्या टेस्ट की फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? सर हमारे पास लीवर के लिए है जैसे हम लोग ये पूरा पैकेज दे रहे हैं। हमारे पास इन्फेक्शन TLC के लिए कोलेस्ट्रॉल है केराटिन है SGOT SGVT कैल्शियम यूरिक एसिड ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये सब अभी यहाँ पे एनजीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं जी, जी। और वैसे क्या चार्ज करते हैं इसका? वैसे चार्जेस हमारे सर बताएंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी सर ये क्या चार्जेस वैसे लेते हैं? यहाँ एनजीओ में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं लेकिन क्या चार्जेस लेते हैं फुल मेडिकल हेल्थ चेकअप का? उसे तो एनजीओ में फुल फ्री चार्ज दे रहे हैं और वैसे MRP जो है हमारा अगर एक टेस्ट के लिए जो एक टेस्ट लिखा है इसका 150 MRP है। हाँ। अगर पूरे पैकेज कराते हैं तो 3000 MRP मार्केट रेट है। अच्छा अगर आज के डेट पे कराते हैं तो उसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा 1500 में हो जाएगा और बाकी जो हमारे टेस्ट लिखे हैं बाकी हम जो दे रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ चार्जेस दे रहे हैं 7 टेस्ट है। अच्छा दो टेस्ट कैसे भी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा हाँ। तो ये होम कलेक्शन भी आपका? हाँ होम कलेक्शन भी है। अच्छा अच्छा होम कलेक्शन है उसमें अगर पेशेंट कोई बुकिंग कराता है तो उसको होम कलेक्शन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब होम कलेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ उसी आज के रेट पे हो जाएगा उसको होम कलेक्शन भी। ठीक है थैंक यू। पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लड लिया जा रहा है टेस्टिंग के लिए जो ये डॉक्टर वैभव पैथोसिटी है ये फैसिलिटी इस NGO को प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे ये टेस्ट किए जा रहे हैं और इनका होम कलेक्शन सर्विस भी है। आप जैसे कि इनके बैनर में से देख सकते हैं कि ये टेस्ट इनके होते हैं आपके SGOT हो गया ग्लूकोज हो गया यूरिक एसिड हो गया कैल्शियम हो गया ये सारे टेस्ट आप यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन आप इनके सेंटर पे भी जाके टेस्ट करा सकते हैं। तो आगे हम इस सेंटर में यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है ये भारत मंथन की तरफ से तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी दी जा रही है हम बात करना चाहेंगे। हाँ सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मयंक कोरवाल है। हम इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO की तरफ से आप देख रही है उनकी तरफ से यह कैंप लगा हुआ है भारत मंथन NGO के साथ और ये 93वां कैंप है। हाँ जी यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर ये नेचुरोपैथी डाइट के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पीछे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। और वहाँ पे नाड़ी वैद्य बैठे हुए हैं। नाड़ी जो है हाँ हाँ। ऐसी चीज है जो आपको केवल नाड़ी दिखती। अच्छा इस तरीके से चेक कर। सर अपना नाम बताइए।
मेरा नाम दीवान सिंह है और हम लोग यहाँ होलिस्टिक के नेचुरोपैथी जो तो नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट के साथ में लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे हाथ के रोलर हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है आप थोड़ा बताइए और क्या ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के लिए है ये हैंड रोलर है इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये है फुट वाला जिसके पैरों के नीचे रख के आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके दबते हैं। ठीक है ये है हमारा एक जो बॉडी के ऊपर पीछे से पीठ पे मसाज करें या पूरी बॉडी पे आप ये बॉडी का ये बॉडी मसाज है। हाँ हाँ ये देखिए ये जो है ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मसाज वो कर रहे हैं यहाँ पे तो ये सब फिजियोथेरेपी में ही आता है आपका ये फिजियोथेरेपी है। और ये जैसे कि अभी आपने सिंगल हाथ से करना चाहते हैं कोई भी ऐसे भी। अच्छा ये सिंगल उसके लिए मैग्नेट लगे हुए हैं और ये मसाज भी करता है। ठीक है ठीक है स्पाइन पे पूरा आपका चलता रहता है। हाँ हाँ कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जैसे ये अपना पुश के लिए है ये भी रोलर है पूरा पैर को रखने ये हमारा जैसे ये टूल है। हाँ हाँ तो ये आप इस पर मैग्नेट लगे हुए हैं। अच्छा पैर के नीचे जो अगर पैर में क्या तकलीफ है कोई भी चीज के लिए मतलब ये आराम देता है आपको। अच्छा नहीं इससे ये भी होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर किसी को तकलीफ है तो उसको कंट्रोल करता है कुछ ऐसा भी है आपका लो हो तो उसको बराबर पे ले आएगा हाई हो तो भी उसको बराबर पे ले आएगा। तो वैसे क्या कॉस्ट है इसकी इसकी 150 रुपए 150 रुपए की कॉस्ट है। ये देखिए ये जो ये आप देख सकते हैं कि ये आप अपने जूतों के बीच में शूज में लगा सकते हैं और ब्लड प्रेशर वगैरह अगर ज्यादा है तो कम कर देगा कम है तो ज्यादा कर देगा नॉर्मल कर देगा ज्यादा नहीं करेगा नॉर्मल कर देगा दोनों कंडीशन में बराबर ले आएगा। हाँ तो ठीक है थैंक यू। मेरा नाम मिसेस रमन आर्या। मिसेस रमन आर्या आप यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दे रही है? यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट देते हैं कानों में सीड्स लगते हैं और पहले आप मुझे ये बताइए जिन दर्शकों को नहीं पता कि एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर बॉडी के वो पॉइंट्स हैं जिन पे हम दबाव देते हैं। हाँ। तो उन पर हम मैग्नेट्स भी लगाते हैं। हाँ। और एक्यूपंचर भी करते हैं वहाँ पर नीडल्स भी लगाते हैं। हाँ हाँ। तो इस तरह से एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर बॉडी के पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी ठीक होती है इससे हम स्पाइन की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो आप कितने साल से ये कर रहे हैं? मुझे करीब 7 साल हो गए हैं तो, मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली और कोई कोर्स होता है इसका? जी 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 मैंने एरम यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली है कलकत्ता जाकर। हाँ जी। उसके बाद डॉक्टर लोहिया से मैंने कोर्स किया है पूरा। अच्छा मैंने डॉक्टर लोहिया के कई सेंटर्स में प्रैक्टिस करी पहले बहुत समय फिर उसके बाद 7 साल से अपना एक्यूपंचर का शुरू करा है और मैं वैसे चैरिटेबल एक चलाती हूँ। तो इससे क्या क्या बीमारियां जो हैं जो ठीक हो सकती हैं? इससे हर तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं जैसे कि शुगर है थायराइड है या किसी को ओवरीज में सिस्ट है इस तरह की कई बीमारियां। सिस्ट कैसे ठीक हो जाएंगी? वो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है तो वो कैसे? सिस्ट क्या होता है वहाँ पर जो फॉलिकुलर होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हाँ। है ना तो उनको हम ठीक कर सकते हैं उसमें मैग्नेट थेरेपी करते हैं। मैग्नेट्स लगते हैं हमारे राइट थंब पे तो उससे हमारी सिस्ट डे बाय डे वो तो जब हम करना शुरू करते हैं उसके बाद ये कह के शुरू करते हैं कि 3 महीने बाद आप टेस्ट कराइएगा आपके ठीक हुई कि नहीं हुई रिपोर्ट सामने आ जाएगी ना। तो हाइपरटेंशन का भी है आपके पास? हाइपरटेंशन का भी है माइग्रेन का स्पेशली है। अच्छा मैग्नेट्स लगा के हम माइग्रेन से तो लोग इतने परेशान होते हैं कि भाई कई मेडिसिन लेते हैं और उम्र भर चलती है मेडिसिन अटैक जब माइग्रेन का होता है तो 15 दिन तो एटलीस्ट उनको लेनी पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि डेली माइग्रेन के इंजेक्शंस लगवाते थे। हाँ। उनको मैं कुछ मैग्नेट्स लगा के ठीक कर चुकी हूँ। अच्छा बिल्कुल तो आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? मैं गुरुद्वारे में बैठती हूँ सुबह पश्चिम विहार A1 का गुरुद्वारा है। पश्चिम विहार A1 गुरुद्वारे में ये बैठती है जो भी इनसे ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर भी और एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। पश्चिम विहार कौन सा है ब्लॉक बताया? A1 ब्लॉक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या टेस्ट वगैरह हो रहे हैं क्या ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो हम बात करने की मैडम यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं इधर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं? यहाँ पे बीपी शुगर हो रहा है और बीपी और शुगर ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। ठीक है तो मैं वरिंदर कौर हूँ। हाँ जी आप तो एनजीओ से हैं? मैं एनजीओ से हूँ। अच्छा तो यहाँ पे हमारा ये 94 कैंप लगा हुआ है। हाँ। तो ऐसे ही हमारी संस्था ऐसी सेवाएं लेती रहती है और करवाती रहती है तो जिसमें ये सारा फ्री है हड्डियों की जांच आंखों की जांच दांतों की जांच
तो ये बीपी शुगर ईसीजी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है। तो ये आप देख ही रहे हैं ये सारे टेस्ट है, ये कोलेस्ट्रॉल चेक करने आए हैं, ये सारे अपने बीपी वगैरह जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें दवाइयां भी फ्री में दी जाती हैं। तो ऐसा ही ये हमारी संस्था काम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। आप सर नाम बताइए। डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल आप क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं? नॉर्मल बीएमडी और हमारा जनरल हेल्थ चेकअप। बीएमडी के फुल फॉर्म क्या है? बोन डेंसिटी, बोन कैल्शियम का है। हाँ जी कैल्शियम का देख रहे हैं, हड्डियां कमजोर नहीं है, रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है और ठीक है, हाइपरटेंशन उसके लिए है, अगर नॉर्मल है। और ईसीजी वगैरह भी है? नहीं वो ईसीजी तो नहीं होगा शायद। ईसीजी है, ईसीजी है, रूम में, दूसरे रूम में, दूसरे रूम। ठीक ईसीजी भी है और उसके बाद कुछ आता है तो एडवाइस दे। ठीक है, थैंक यू। कहते हैं कि ये पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है यहाँ पे, और ये फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं जी भारत मंथन के। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या मेंबर है आपने क्या टेस्ट करवाया? अभी हमने शुगर ब्लड प्रेशर दोनों चेक किया है इन्होंने हमारा। अच्छा नॉर्मल है? नॉर्मल है और शुगर थोड़ी तेज है। अच्छा शुगर बढ़ी हुई है। भारत मंथन के साथ हम 5 साल से जुड़े हुए हैं, 20 साल से विक्रमजीत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं ये। अच्छा भारत मंथन से ये हर आप कैंप वगैरह लगाते रहे? 96 94 चिकन 94 कैंप लगा। हां तो अभी सेंचुरी करने के बहुत नजदीक आ गए हैं, सेंचुरी करना है बहुत जल्दी। तो आपके एनजीओ में कितने मेंबर होंगे? मेंबर है करीबन मेरे 70-80 मेंबर हैं। 70-80 मेंबर हां जी। अच्छा गवर्निंग बॉडी में तो कम ही होंगे आपके? गवर्निंग बॉडी के अंदर 5-6 हैं बस। 5-6 मेंबर हैं। बाकी जो इससे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ते हैं। ठीक है थैंक यू। बिना पैसों के काम चल रहा है इनका। अच्छा पैसा किसी से हम लेते नहीं है। अच्छा डोनेशन सर अपने आप ही काम चलता है। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। ये ब्लड की सैंपलिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है, ये देखिए फ्री ब्लड चेक करते हैं दो। अच्छा कोई भी दो चेकअप फ्री करवा सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा ब्लड सैंपल लिया जा रहा है आप देख सकते हैं। सर सर अपना पहले शुभ नाम बताइए। मैं वीके शर्मा हूँ। वीके शर्मा आप भी भारत मंथन से हैं? अच्छा एडवाइजर हूँ इनका। आप एडवाइजर हैं तो कितने साल से ये संस्था आपकी काम कर रही है? 10 साल हो गए। नहीं जी 20 साल से। 20 साल हो गया। 20 साल से। अच्छा बड़ी निस्वार्थ सेवा है। हाँ हाँ। और सारे इसके मेंबर बड़े सोशल हैं, बड़े बड़े प्रेम से। तो आप मेडिकल के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं अपने एनजीओ का? कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं, आंखों का ऑपरेशन किया है। हाँ जी लेकिन ये तो सारे मेडिकल हो गए ना, कुछ नॉन मेडिकल कुछ और भी चीजें करते हैं? अभी नॉन मेडिकल का कुछ, अभी मेडिकल में ही सारा आप कर धीरे धीरे जैसे बुजुर्गों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, यहाँ कैंप लगता है। दिल्ली में कौन कितने एरिया आप कवर करते हैं? जहाँ कहीं भी हमें बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं। ठीक है थैंक यू। गुरुद्वारों में, पार्क में, हॉल में, जहाँ भी हमारी संस्था को बुलाते हैं हम वहाँ पे अपना सारी सेवा देते। और अगर किसी ने कैंप लगवाना हो तो वो कैसे किससे कैंप संपर्क कर सकते? प्रधान जी है विक्रम जी है, उनसे आप संपर्क करें, उनसे संपर्क करके फिर आप उनसे अपना अपना वो अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू। अब हम यहाँ पे एक और रूम है जहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम आए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये वेंकटेश्वर कार्डियक सेंटर है। आपने यहाँ पे क्या टेस्ट करवाया? शुगर बीपी। शुगर भी है? क्या तकलीफ है आपको? शुगर ठीक है, बीपी ठीक है। बीपी भी ठीक है।
अच्छा, तो इस कैंप के बारे में कहाँ से पता लगा था आपको कि ये कैंप हो रहा है? यही रहता, यही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ये वेकेशन वालों से ना। हाँ हाँ, ये सर क्या टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? सर ये BMD का टेस्ट है, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट है। आपका नाम है? यश। यश, आप वेंकटेश्वर सेंटर से हैं, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के तरफ से हैं। तो ये बोन मैरो का टेस्ट कर रहे हैं कैल्शियम के लिए यहाँ पे। तो काउंटिंग नहीं किया। अच्छा अच्छा, 10-15 हो गया। सर अपना नाम बताएंगे? डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र, आप यहाँ पे क्या शुगर का और डायबिटीज के? नहीं, आई एम जनरल फिजिशियन। यू आर जनरल फिजिशियंस, तो स्क्रीनिंग चेकअप चल रहा है। तो आप वैसे कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? मैं प्रैक्टिस करता हूँ वेंकटेश्वर में। वेंकटेश्वर में, तो हॉस्पिटल की तरफ से आप यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप अभी कितने पेशेंट देख चुके हैं? अभी तक तो आए हैं अबाउट 15 15 के करीब पेशेंट देख चुके हैं। 100 के हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं वो सारे ज्यादा कौन सी तकलीफ के आ रहे हैं? ज्यादातर तो कॉमन तकलीफ सबकी यही रहती है कि बोन डेंसिटी कम रहती है, मतलब कि विटामिन डी कैल्शियम इन सब का कमी रहती है। तो आजकल एक समस्या बहुत हो गई है कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ, हाँ, और डायबिटीज की, शुगर की, इन सब की। तो इसके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे जनरल पब्लिक को कि अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखें? स्पेसिफिक है सबके लिए। हाँ जी हाँ जी, बाकी एक्सरसाइज और डाइट। अच्छा अच्छा, खाना। हाँ हाँ, एक्सरसाइज, इनसे काफी चीजें नॉर्मल रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। बाकी जो पेशेंट जिसका है उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, थैंक यू। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट अभी फुल बॉडी का ट्रीटमेंट भी हो गया है। आपका नाम क्या है? अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता, अच्छा अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर लेते हैं आप वैसे? मैं पूरा बॉडी का जो बीमारी, जो कमर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया। अच्छा, जैसे अर्थराइटिस हो गया, घुटनों की तकलीफ है, जी जी, तो उसके लिए भी आप? जी जी। तो इसमें पॉइंट्स को आप दबाते हैं उस हिसाब से वो ठीक होता है। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं आप ये? सर मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से। आपका नाम क्या है? कालिन जी। अच्छा मैडम जी, आपने यहाँ कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं? शुगर, BP। आप? अच्छा, एक क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ जाता है? नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल का आपने टेस्ट करवाया, ब्लड उसमें निकालते हैं। तो इसमें आपको समय भी लगा कुछ? नहीं, समय नहीं लगा। जल्दी हो गए थे? जल्दी हो गए, भीड़ रही थी। अच्छा, तो अभी आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? अभी आप और भी टेस्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, अब कुछ नहीं कराना, कुछ बीमारी नहीं है मेरे। अच्छा, बीमारी नहीं है। मैंने कई देखे हैं कि जैसे कि आते हैं तो सोचते हैं कि हम फुल बॉडी चेकअप करवा लें, आईज का भी करवा लें सारा। नहीं, शुगर, BP नहीं, ये सब नहीं कराना। अच्छा, है मुझे, कोई बीमारी नहीं है बस। अच्छा, अब वैसे एक रूटीन के हिसाब से आप चेकअप करवाने के लिए कि हाँ हो जाए तो बेस्ट में है। हाँ, वो तो बेस्ट में, तो दुनिया जानती है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे दांतों की जांच हो रही है, तो यहाँ भी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नाम है डॉक्टर साक्षी रावल यादव। अच्छा, तो आज यहाँ पर आप डेंटिस्ट आप देख रहे हैं काफी पेशेंट को, सुबह से आप कितने पेशेंट देख चुके हैं? 15 के अराउंड आप देख चुकी हैं। तो कैसे केसेस वगैरह आते हैं यहाँ पर दांतों के? सर नेग्लिजेंस के केसेस आते हैं, जब एकदम दर्द तक बात पहुंचती है तब। हाँ जी हाँ जी, ये तो सर मैडम बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल राइट है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जब बहुत ज्यादा कोई पेशेंट देखते हैं कि हम अब जाना बहुत जरूरी है तभी आते हैं। जी, जी, तो जी। उसके बारे में कुछ आप बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं सर। अगर दांतों को सेफ कैसे किया जाए? सर सेफ ऐसे किया जा सकता है, आप 6 महीने में एक बार डॉक्टर को विजिट करें। अच्छा, क्लीनिंग करानी बहुत जरूरी है। आधी प्रॉब्लम सारी क्लीनिंग की वजह से होती है, जहां आपने क्लीनिंग नहीं कराई है उस वजह से प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्लीनिंग के लिए जाएंगे उसी बहाने कहीं पे थोड़ा बहुत शुरुआत हुई होगी किसी चीज की, तो वो पहले ही पकड़ी जाएगी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैंने एक चीज और देखी है, जैसे मैं कई हॉस्पिटल वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो अपने से ट्रीटमेंट करते हैं दांतों का, कि ठंडा गर्म लग रहा है, हम कुछ अलग से मार्केट में टूथपेस्ट आती है, उनसे कोई फायदा नहीं उनसे। हाँ जी, जब तक आप जड़ से चीज को नहीं निकालोगे, टूथपेस्ट, ट्यूब, कोई भी मेडिसिन आपको नहीं फायदा। डॉक्टर साहब, मैं वही आपको बता रहा था कि कई अपने से शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट, वो नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। मैं कश्मीर सिंह, भारत मंथन NGO
दिल्ली स्टेट प्रधान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज आप मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका ये यहाँ पे आयोजन? ये आयोजन 93 कैंप है जी, पश्चिम बिहार में शिव मॉडर्न स्कूल में, जिसमें 93 है कैंप, तो पश्चिम बिहार में जी है शिव मॉडर्न स्कूल में। यहाँ पर बहुत तरह की फैसिलिटी मिल रही है जो सब फ्री है जी, जिसमें आपके सामने ये ब्लड टेस्ट हो रहे हैं जी, डॉक्टर वैभव पैथोसिटी की तरफ से फ्री ब्लड टेस्ट है, मैक्स वाले भी है, मैक्स हॉस्पिटल वाले आए हुए हैं जी, ECG, BP, ब्लड शुगर, BMD सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इधर होम्योपैथिक वाले और आयुर्वेदिक वाले दवाई सलार जी आए हुए हैं, अच्छा उनकी सारा ट्रीटमेंट फ्री है जी। इधर हमारे मैन कोरवाल जी उनकी पूरी टीम आई हुई है जो अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी सारी टीमें, और अपना अच्छा योगदान देते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं, और अपने भारत मंथन की टीम जो अपने तन मन धन से साथ दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और ये जितने डॉक्टरों की टीम आती है इनका धन्यवाद, और हमारे प्रधान विक्रमजीत सिंह जी इनका भी तय दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम जय भारत खोसला है। हाँ जी, मैं टैगोर गार्डन हरे रामा हरे कृष्णा ग्रुप से हूँ। हाँ जी, और प्रधान जी के जो ये सेवा का मौका दिया है और सबको, हाँ। विक्रमजीत सिंह जी ने हमें इनवाइट किया है और बहुत अच्छा लगा है, ये मानवता की सेवा है, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। अनिल धवन जी, मैं विष्णु गार्डन से आया हूँ। हाँ जी, मैं कई बार आ चुका हूँ इनके कैंप में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, कई बार गंगा राम वाट के भी जाता हूँ, आता है। अच्छा अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थैंक यू। अब तो पहले अपना नाम दसो। इंद्रजीत सिंह, अकाली दल। अकाली दल तो है गया। अच्छा, तुसी भी भारत मंथन नाल जुड़े हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, इन्हां दे नाल असी समझ लो भी अज तो नहीं, काफी लंबे समय तो असी अरसे तो असी मिल के काम करते पए हैं, अलग-अलग जगह ते कैंप लग रहे ने। हाँ जी, और असी बहुत एप्रीशिएट करते हैं क्योंकि वेस्ट दिल्ली दे विच एक अच्छा नाम है भारत मंथन दा, जिन्होंने वाकई ही ग्राउंड लेवल ते जाके जिहड़े जरूरतमंद ने उन्हां दी मदद कीती है, जरूरी नहीं एक कैंप दे अंदर ही, इन्हां नूं करी दिन रात किसी भी वेले, अच्छा। किसी ब्लड डोनेशन किसी नूं चाहिदा होवे, किसी भी तरीके दी हेल्प दी लोड़ होवे, इन्हां नूं जिस टाइम मर्जी कॉल करो, ये उस टाइम बिल्कुल 24 आवर जिहड़े अवेलेबल हुंदे ने। सो अज इन्हां ने जिहड़ा उपराला कीता इहदे वास्ते भारत मंथन टीम दा, शिव मॉडर्न स्कूल दी ऑर्गेनाइजेशन दा, PP सिंह जी दा, हरदेव कौर मैडम जी दा, असीं खास तौर ते धन्नवादी हां जिन्हां ने यह उपराला करके अज सारे नूं हैल्थ चैकअप दा एक बहुत सोहना उपराला करके दिता है कि तुसीं अपना हैल्थ चैकअप भी कराओ, तो लोगों को अवेयर भी किया है कि अपनी हैल्थ का वो तो वह अपना ध्यान रखो, तो बहुत मैं धन्यवादी हाँ सारी ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। वीरा सिंह, हाँ जी, की कहना चाहोगे सर, अज मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया? साढ़े कैंप है जी। हाँ जी, तो साढ़े प्रधान विक्रमजीत सिंह जी, तो अपना कश्मीर सिंह जी, जो सहयोग न बड़े कैंप वधिया चल रहे हैं और चलते ही रहने जी, हर गरीबों को बड़ी मदद भी करते हैं, ब्लड किसी चाहिए ब्लड भी देंदे ने, दवाइयाँ फ्री हर चीज़ फ्री। चलो, बड़ा चंगा काम कर रहे हो जी, लोगों की सेवा कर रहे हो। जो NGO है उसके ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनाइजर है सर, पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम PP सिंह है, मैं यहाँ स्कूल से मैनेजमेंट की तरफ से हूँ। हाँ हाँ, और ये हमारी बहन है। हाँ जी, और आपका नाम? आभा, आभा चौधरी नाम है। हाँ जी, और ये बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है। हाँ जी, और बाय प्रोफेशनल एडवोकेट भी है। हाँ हाँ, और भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम जो है सोसाइटी के सुधार के लिए करते रहते हैं। हाँ हाँ, और हमारे स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों के साथ। तो भारत मंथन क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है एज ए NGO, लोगों को क्या क्या सेवाएं दे रहा है? यहाँ पर आज की तारीख में सारी सुविधा हमारे पास है। यहाँ पर आंखों का टेस्ट है, यहाँ पर दांतों का टेस्ट है, फुल बॉडी टेस्ट है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट है, यहाँ पर और जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स को हमने मैनेज कर रखा है, अरेंज कर रखा है, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, एंड प्लस। तो ये जिन हॉस्पिटल से आप संपर्क करते हैं तो क्या वे आपसे कुछ चार्ज करते हैं? कुछ ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी बेसिस पर हम काम करते हैं। हाँ जी, हम 1 रुपए भी किसी से लेते नहीं है। हाँ हाँ, और सब चीजें हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और उनकी 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 योगदान के लिए, किसी को प्रॉब्लम हो तो उन सब चीजों को देखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। अब जैसे ये जगह आपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया है या जिस लोकेशन पे करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है या? हम स्कूल की तरफ से हैं और स्कूल
ऐसी कामों के लिए हाँ जी कभी कुछ लेता नहीं बल्कि अपनी तरफ से देता है, अपनी सेवाएं देता है। अच्छा, आप स्कूल की तरफ से हैं? आप स्कूल में क्या है? मैं स्कूल के मैनेजमेंट में हूँ। मैनेजमेंट में हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूल जो है ये ऐसे इस कामों के लिए कभी भी कुछ लेता नहीं है बल्कि वो देता ही है। और तो ये तो बड़ा अच्छा काम, सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, तो सालों से कर रहे हैं। हाँ हाँ, आगे भी करते रहे। तो आप भारत मंथन से भी जुड़े हैं और स्कूल के भी मैनेजमेंट कमेटी दोनों से हैं आप? जी जी। भारत मंथन में क्या पोस्ट है आपके? भारत मंथन में मैं उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट मैं उनके साथ में काम गाइडेंस देता हूँ। सर आप अपना नाम बताइए। विक्रमजीत सिंह, फाउंडर प्रेसिडेंट भारत मंथन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये भारत मंथन की शुरुआत कब हुई थी और किस उद्देश्य से हुई थी? सर ये स्टोरी तो बहुत लंबी है। हाँ जी। मेरी मदर लास्ट 17 ईयर पैरालिस पेशेंट थे। अच्छा अच्छा। और ये एनजीओ उस टाइम हमने एस्टैब्लिश की थी। हाँ हाँ। ये हम लास्ट 21 ईयर से हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है। और समय समय में डिफरेंट लोकेशन में कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हमारा 93 कैंप शिव मॉडर्न स्कूल पश्चिम बिहार में कड़ी दर कड़ी जो हम इस मंथ के अंदर तीसरा कैंप है हमारा। हाँ हाँ। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि समय रहते हैं लोगों को अपनी बीमारी के बारे में जागरूक हो सके और अपने समय ट्रीटमेंट ले सके। आज 93 कैंप है और यहाँ पर 7 टीमें यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल द्वारका से जो हार्ट से रिलेटेड ECG ब्लड शुगर VP और BMI का टेस्ट है, और साथ ही मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से सेम सेवाएं दे रहा है और कोलेस्ट्रॉल के साथ में टेस्ट। तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल से आप एसोसिएटेड हैं सर? मेडिकल नियर अबाउट हमारे जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हाँ हाँ। ये हमारे 14-15 हमारे साथ एसोसिएट्स हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ ड्रगलेस थेरेपी है, मयंक पोरवाल जी की टीम पूरी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है, और पैथोलॉजी डॉक्टर वैभव के द्वारा 2 टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं, और सरदार जोगिंदर सिंह जी की तरफ से होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ में आइस टेस्टिंग है और डेंटल फैसिलिटीज भी यहाँ पर है। तो ये सेवाएं आप इस आज के कैंप में प्रोवाइड की जा रही है। किसी को अपना कैंप लगवाना है, किसी के पास जगह है, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ये हमारा नंबर है और हमारा 93 कैंप है। हाँ जी। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भी किसी को ऐसा लगता है जरूरत है, हमारा एवरी मंथ डिफरेंट लोकेशन के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज था और दिल्ली से बाहर भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ। और जिसने भी करना हमारे से संपर्क कर सकते, इंडिया में कहीं भी हो या तो ऑल इंडिया लेवल पर भी फिलहाल दिल्ली ही कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। दिल्ली और NCR के अंदर ही हमारी सेवाएं चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इसके लिए तो पैसा भी लगता है, फंडिंग का कैसे करते हैं सर? फंडिंग सर हमारी अपने मेंबर्स की टीम कर रही है, हमारी एनजीओ के मेंबर्स हैं, अपने पॉकेट से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ आप सरकार से कुछ अपील करना चाहें? सरकार की तरफ रुक कर रहा है, अभी बड़ी फॉर्मेलिटीज है। अच्छा। हम बड़े आते हैं, हम आपको करोड़ों दलाते हैं, इतने परसेंट हमें दे दो। अच्छा। हम अपने पॉकेट से कर रहे हैं। हाँ हाँ। वैसे फॉर्मेलिटीज पूरी है, पर अभी हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करे तो हम और अच्छे लोगों की सेवा कर सके, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी जैसे और भी NGOs हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सच न्यूज से बात करने के लिए।